पांच गिरफ्तारियां हो चुकिया ने। पंजाब पुलिस के वलों पांच निहंग सिंघां नूं गिरफ्तार कर लिया गया और 302 का परचा दर्ज कर दिता गया। सुल्तानपुर लोधी दे विच एक गुरद्वारा साहब नूं लैके दो दलां दे विच आपसी तकरारबाजी हुंदी है। जदों पुलिस सवेरे कब्जा छडाउण दे वास्ते जांदी है तां गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने और गोलियां दे विच जदों गोलियां चलदियां ने तां उस दे विच इक होम गार्ड का जवान जिहड़ा वो शहीद हो जाता है जिसका नाम जसपाल सिंह है। फिर उस तो बाद कार्रवाई पूरी चलती अमल दे विच लियाई जाती है। तो तस्वीर भी तुसीं देख सकते हो। इस वेले की वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि पुलिस ने वड्डी कार्रवाई की है। इस मामले दे विच 15 तो 20 अणपछात्या खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया और हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है, जिहड़ी नोट के राही जानकारी मिली है कि 5 निहंग सिंघां दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और इन्हों के नाल नाल ही 15 तो 20 अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जिस दे विच वख-वख धरावां तां लगियां है और 302 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। तो वड्डी खबर है क्योंकि जिस हिसाब के नाल देखिए सुल्तानपुर लोधी दे विच ये पूरी घटनाक्रम तड़कसार वापरी सी। जी हाँ, जदों पंजाब पुलिस कब्जा छुड़ाउण दे वास्ते जाती है तो गुरुद्वारा साहब के अंदरों गोलियां चलाईयां जांदियां, फिर जवाबी कार्रवाई दे विच पुलिस भी कहती है कि गोलियां चलाईयां तो दोवां पासिआं तो गोलियां चलियां, पर इस दे विच नुकसान की जेकर असीं गल करदे हां कई पंजाब पुलिस के जवान तो एक होमगार्ड का जवान जिहड़ा जसपाल सिंह सी उह शहीद होया है। और इस दे नाल की जेकर दोनों दलों की गल करदा तां आपसी तकरार सी। एक दल कहिंदा कि साडा कब्जा है, दूसरा दल कहिंदा साडा कब्जा है। सो इस नूं सुलझाया गया है। फिलहाल ये मसला जिहड़ा आ वो बंद हो चुका है क्योंकि सहमति बन चुकी है। तो इस दे नाल पंजाब पुलिस ने वड्डी कार्रवाई की है, 302 दे परचे दर्ज कर दिते ने, वख-वख धरावां भी ऐड ऑन कीतियां गईयां ने। पर हुण तक जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है कि 5 निहंग सिंघां नूं गिरफ़्तार किया गया, जिस दे विच बाबा मान सिंह ते उहनां दे कई साथी ने जिन्हां नूं गिरफ़्तार कर लिया। 5 निहंग सिंघ हुण तक जिन्हां दी गिरफ़्तारी हो चुकी है और 15 तो 20 अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ जिहड़ा मामला दर्ज कर लिया। और फिलहाल की घड़ी जेकर असी गल करते हैं तो उस जगह पर सहमति जिहड़ी बनी हुई है, हुण उत्थे कोई भी धिर मौजूद नहीं है। पुलिस ने वो कब्जा छुड़वा लिया सी और ये पूरे घटनाक्रम तो बाद दे विच सहमति बनी है। तो तस्वीर भी तुसी देख सकते हो। इस दे विच सब तो बड़ी जानकारी हुण तक की तुहाडे नाल साझी कर रहे हैं। गिरफ़्तारियां भी हुई ने, परचे भी दर्ज किए गए ने। जी हाँ, गुरद्वारा अकाल बुंगा साहब का पूरा मामला सीगा, दो दलों के विचकार आपसी तकरार हुई कब्जे नूं लैके। तो पंजाब पुलिस कब्जा छुड़वाउण दे वास्ते जो पहुँचती है तो यह कहा जाता है कि निहंग सिंघां दे वल्लों अंदरों गोलियां चलाईयां गईयां। तो उस तो बाद दे विच पंजाब पुलिस होमगार्ड के एक जवान की मौत हो जाती है, तो वह शहीद हो जाता है। फिर उस तो बाद सहमति बनती है, पर हुण 302 के तहत परचे दर्ज किए गए हैं तो 5 निहंग सिंघां दीआं गिरफ़्तारियां भी हो चुकियां ने। तो सब तो वड्डी खबर है इस वेले की जगबाणी टीवी ते तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं गिरफ़्तारियां नूं लैके, क्योंकि पूरे पंजाब दे विच खबर फैल गई। फिर उस तो बाद दे विच ADGP लॉ एंड ऑर्डर दे वल्लों उत्थे जाके निहंग सिंघां दे नाल समझौता किया गया, कब्जे नूं लैके समझौता होया। तो उस तो बाद दे विच गुरद्वारा साहब जिहड़ा निहंग सिंघां दे वल्लों छड़ दिता गया। तो बाबा मान सिंह दल का कहा जा रहा है कि कब्जा सीगा, उन्हां दे नाल सहमति बनी, उस तो बाद छड़ दिता गया। तो परचियां दी हुण गल करदे आं जिकर, तां परचियां बाबा मान सिंह हुणां दे समेत 5 गिरफ़्तारियां हुई ने और इस दे नाल नाल 302 दे परचे हुए ने। 15 तो 20 अणपछाते व्यक्ति भी इस दे विच शामिल ने जिन्हां दे खिलाफ़ परचा जिहड़ा वो दर्ज किया गया।